हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव चिंतित और प्रयासरत रहकर कार्य करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वाणिज्य प्रकोष्ठ बिहार सीए सुरेश झा के द्वारा किए गए कार्यों की फेहरिस्त में एक और काम जुड़ गया। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत लगमा गांव में मृत प्राय हो चुके मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय फिर से पुनः गुलजार हो गया है। यहां नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है। महाविद्यालय परिवार ने श्री सुरेश झा का आभार जताते हुए उन्हें एक सम्मान पत्र भी सौंपा है। न्यूज टुडे से बात करते हुए सीए सुरेश झा ने बताया कि इस महाविद्यालय से पास आउट विद्यार्थी सीधे सरकारी सेवा में जा सकते हैं। श्री झा ने इस संबंध में मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस महाविद्यालय के विकास के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया है। पहले तो ये बंद हो चुका था, शुरुआती दौर में कुछ सेशन इनके स्टार्ट हुए और बहुत सारे बच्चे क्लियर होकर के निकले जो आज के दिन में अच्छे कर रहे हैं। उसके बाद वो बंद हो चुका था, जिसको सितंबर 2020 में हमने फिर से कोशिश किया। वहाँ के निदेशक डॉक्टर कुलानंद झा का पूरा प्रयास रहा, सब आदमी का सामूहिक प्रयास से इसमें फिर से एग्जाम चालू हो गया है, एडमिशन स्टार्ट हो गया। और ये एडमिशन स्टार्ट होना मतलब इस क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष बहुत युवक को रोजगार मिलेगा। और इसमें जो एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन होने के बाद जो एग्जाम पास करते हैं तो ये डायरेक्ट सरकारी संस्थानों में इसका अपॉइंटमेंट है। ये एक खासियत है इसमें, क्योंकि बिहार में या कि भारत में बहुत कम ही फिजिकल ट्रेंड टीचर है। फिजिकल ट्रेंड टीचर का ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है और टीचर बनाए जाते हैं। मंत्री अनुराग ठाकुर से भी आपने मांग की है? हाँ, मैं उनसे कहा हूँ कि यहाँ पे जो खेल मंत्रालय से संबंधित जितने भी प्रावधान है उसको लागू होना चाहिए। और खास करके अभी देख रहे हैं ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जो बच्चे लोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से है। ये कॉलेज सब जो है इस तरह की ट्रेनिंग देती है जहाँ से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक या जो भी खेल की प्रतियोगिताएं हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएंगे और भाग लेंगे। अभी यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट है। मैं सभी दरभंगा वासियों से कहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाएं, ऑनलाइन अप्लाई चालू है, ऑनलाइन अप्लाई करें और डायरेक्ट प्रिंसिपल से या वहाँ पे जो पीआरओ हैं उनसे बात करके अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं।